हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप रोपसो ऐप में कैसे ड्यूट वीडियो बना सकते हैं, और साथ ही साथ मान लीजिए कोई वीडियो चल रहा है उसका म्यूजिक कैसे आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रोपसो एप्लीकेशन ओपन करके रखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका म्यूजिक और इसमें कैसे ड्यूट वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे वीडियो यहाँ पे प्ले हो रहे हैं। तो नीचे ये मान लीजिए हमको इस वीडियो पे, जैसे मान लीजिए हमको इस वीडियो पे ड्यूट वीडियो बनाना है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें ड्यूट वीडियो इस तरह से नहीं बनाया जाता है जैसे टिकटॉक में आपको देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, इसका ड्यूट कुछ अलग तरीके का ही है। जैसे मान लीजिए आप टिकटॉक में ड्यूट वीडियो बनाते थे, एक बगल में आप और दूसरे बगल में जिसका भी वीडियो होता था, इस तरह से टिकटॉक में वीडियो बनता था। लेकिन इसका ड्यूट कुछ अलग तरीका का है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोलैब का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, देख लीजिए हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मिक्स एंड मैच का और दूसरा मिल जाएगा आपको म्यूजिक इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे आपको इसमें ड्यूट वीडियो बनाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मिक्स एंड मैच पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से कुछ देर तक ये ऐसे ही बफरिंग करेगा, तो थोड़ा टाइम हमको वेट कर लेना है। उसके बाद से देख लीजिए हमारे सामने कुछ इस तरह का फेस निकल के आ जाता है। हम आपको बता दें कि इसमें आपको ड्यूट कैसे बनाना है। मान लीजिए इसमें जो भी शब्द बोले जाते हैं उसका ड्यूट आप किस लाइन पे आपको ड्यूट बनाना है, उस लाइन पे ले जाकर यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे आपको ऐसे कुछ इस तरह से सेट कर देना है। जी हाँ, यहाँ पे देख लीजिए उसी लाइन पे जितना लाइन आपको बोलना है, उसके बाद से यहाँ पे सेट करने के बाद से नीचे आपको एक वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जी हाँ, क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देख लीजिए वीडियो बनना स्टार्ट हो गया है। अब हम थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बन के तैयार हो गया है। जितना टाइम पे हमने ड्यूट किया था उतने टाइम का वीडियो हमें इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, और ऊपर यहाँ पे आपको एक निशान दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग करेगा। जी हाँ, तो हमें थोड़ा टाइम वेट कर लेना है। तो चलिए हम थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो वीडियो था वो प्रोसेसिंग कर लिया, और यहाँ पे देख लीजिए मैंने जहाँ ड्यूट वीडियो बनाया था वहाँ मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है। उसके बाद से इस वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बैक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्ले करता हूँ, और यहाँ आप देख लीजिए हमने बीच में ड्यूट किया था, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा वीडियो दिखाई दे रहा है, उसके बाद से फिर से ये ओरिजिनल वीडियो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इसमें आपको ड्यूट बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं। उसके साथ ही मैं यहाँ पे और भी दिखा देता हूँ आपको, स्टिकर भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, बहुत सारे स्टिकर हैं। यहाँ पे देख लीजिए हमें स्टिकर का ऑप्शन नीचे यहाँ पे मिल जाता है, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें से आप कोई भी स्टिकर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से हमें क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब हमें डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो रेड कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक करके और यहाँ कोई भी हैशटैग इस्तेमाल कर लेना है, जैसे मान लीजिए फनी हैशटैग, और पोस्ट कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए कुछ देर तक ये लेगा और ये पोस्ट हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये पोस्ट हो रहा है। तो हम थोड़े टाइम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो वीडियो था वो पोस्ट हो गया। यहाँ पे आपको कोने पे दिखाई दे रहा होगा कि पोस्ट की गई। तो इस तरह से हमारा वीडियो पोस्ट हो जाता है। हम आपको बता देखिए, अगर आप चाहते हैं कि टिकटॉक में कैसे ड्यूट बनाते हैं इस तरह से मैं आपको बताऊं, तो इसके लिए हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन हम एक अप्लीकेशन का इस्तेमाल करके सेम टिकटॉक की तरह ड्यूट बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस तरह का वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं कि जो वीडियो प्ले हो रहा है उसका म्यूजिक हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कोलैब पर ही हमें फिर से क्लिक करना है, और म्यूजिक इस्तेमाल करे वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे देख लीजिए ये जो म्यूजिक था डाउनलोड हो गया है। अब हमें क्या करना है, ऑडियो का प्रयोग करें जो लिखा हुआ है इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे सामने कुछ इस तरह का फेस निकल के आ गया। अब हम इजीली उसी ऑडियो पे वीडियो बना सकते हैं। यहाँ वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम उसी ऑडियो पे वीडियो इजीली बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से हम किसी भी वीडियो का ऑडियो क्लिप लेकर वीडियो बना सकते हैं, जैसे हम टिकटॉक में इस्तेमाल करते हैं।
इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, कमेंट भी आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाए ताकि आपको पता चल जाए। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको कुछ भी और भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा या फिर उसके बारे में एक पूरे डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।